दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका MS Vlogger YouTube चैनल पर। मैं हूं शोभित और आप हमारी नई सीरीज हिमाचल अगेन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं डलहौजी में। आज हम आपको पूरा डलहौजी घुमाएंगे। अगर आप एज ए टूरिस्ट डलहौजी आते हैं तो यह वीडियो आपके बेहद काम आ सकती है, क्योंकि हम आपको उन सभी जगहों पर लेकर जाएंगे जहाँ आपको डलहौजी आने के बाद घूमने जाना चाहिए। सारे रास्ते आपको दिखाएंगे, सारे मार्केट आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी शिकायत है मेरी आपसे, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं डलहौजी। हमने जो होटल लिया है डलहौजी में वो सुभाष चौक पर स्थित है। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। मैं आपको पूरा होटल दिखाऊंगा, रूम दिखाऊंगा और यहाँ के चार्जेस बताऊंगा, कितने चार्जेस हैं और आपको होटल कहाँ लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। ये सामने हमारा होटल है। इस समय वेदर देखिए आप कितना ज्यादा क्लाउडी हो रखा है। चलिए रूम की तरफ चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ का टैरिफ बताते हैं। तो डलहौजी में रूम दे लिया है, अभी होटल है ये हमारा और रूम दिखाएंगे भी आपको। रूम नंबर 6 ये है रूम, एक डबल बेड, सिंगल बेड और वॉशरूम चालू है, गीजर चालू है। इस रूम का टैरिफ पड़ा हमें मात्र 1200 रुपये और हमने 2 रूम बुक किए थे। होटल के बाहर से, होटल की बालकनी से ये व्यू देखिए आप डलहौजी का, कितना शानदार लग रहा है। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, पार्किंग होटल में ही अवेलेबल थी और अभी मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है और इस वक्त तो पूरे हिमाचल प्रदेश में या पूरे उत्तराखंड में सभी जगह बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है। अगर आप हिल एरिया में घूमने आना चाहते हैं अगस्त के महीने में तो बहुत सोच समझ के आइएगा, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए अब हम डलहौजी घूमने के लिए चलते हैं और आपको भी पूरा डलहौजी घुमाएंगे। होटल से हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो मैं आपको बताने वाला था कि आपको होटल का चुनाव कहाँ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो सुभाष चौक पर होटल ले सकते हैं, आप चाहें तो गांधी चौक पर होटल ले सकते हैं। हमने सुभाष चौक पर लिया है, ये सुभाष चौक है, यहाँ भी अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं और यहाँ से आप माल रोड घूमने जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करीब 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है, पैदल भी जा सकते हैं हम लोग जाएंगे। आप होटल कहाँ नहीं लेंगे, माल रोड पर जितने भी होटल अवेलेबल हैं, यानी गर्म सड़क पर, उसे गर्म सड़क बोलते हैं, वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है। आप होटल सुभाष चौक रोड पर ले सकते हैं, गांधी चौक के आसपास ले सकते हैं, ठंडी सड़क पर ले सकते हैं, कोर्ट रोड पर ले सकते हैं। हम मौजूद हैं अभी सुभाष चौक पर। नज़ारे देखिए आप यहाँ से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बादल बहुत ज़्यादा हैं, आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो रखा है। ये जो रोड है ये है ठंडी सड़क और ठीक इसके बराबर से जो रोड है इसको बोलते हैं सुभाष चौक रोड। आप इसी रोड से डलहौजी में एंट्री लेंगे और ठीक इसके बराबर में ही एक रोड है जिसको गर्म सड़क के नाम से जाना जाता है। जो ठंडी सड़क है ये रोड आपको गांधी चौक पर ले जाएगी, आप चाहें तो अपनी कार या बाइक से जा सकते हैं। एक पैदल का रास्ता है जिस पर अभी हम आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत ये रास्ता है, इसको गर्म सड़क बोलते हैं। अगर आप सुभाष चौक से पैदल गांधी चौक या माल रोड जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट रूट है। गर्म सड़क से ही आप पैदल पैदल जाइएगा और बेसिकली यही माल रोड है जो आगे जाके पूरा मार्केट बन जाता है और फिर गांधी चौक पर कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सुभाष चौक के एरिया में रुके हुए हैं तो इस वाले रास्ते से ही आप गांधी चौक और माल रोड घूमने जाइए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप गाड़ी लेकर गांधी चौक जाएंगे तो वहाँ आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल हम गर्म सड़क पर मौजूद हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं। नज़ारे देखिए आप यहाँ से कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। पूरा माल रोड आपको घुमाएंगे, सारे मार्केट आपको घुमाएंगे, जो भी डलहौजी में घूमने लायक जगह हैं
सभी जगह आपको लेकर जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए, आपके एक लाइक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो एक छोटा सा काम है यार, कोई खर्चा नहीं है उसमें, एक बटन प्रेस करना है, तो कर दीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी लोग चलते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर चलना। अगर आप इवनिंग में यहाँ पर वॉकिंग करेंगे तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आप इंजॉय करेंगे। हम लोग इवनिंग में ही यहाँ जा रहे हैं और देखिए आगे जाकर ना ये कुछ रोड ऐसा रूप ले लेता है, यानी अचानक से मार्केट शुरू हो जाता है, यानी कि माल रोड शुरू हो जाता है। इसको यहाँ का माल रोड बोलते हैं। वैसे रोड पर स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, रोड की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही माल रोड है और काफ़ी बड़ा माल रोड है। आगे जाकर ये गांधी चौक पर ही कनेक्ट हो जाएगा। पूरा माल रोड घुमाते हुए आपको गांधी चौक लेकर चलेंगे। हमने इस रोड पर देखे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। आपको गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद पैदल ही यहाँ तक आना पड़ेगा, लगेज साथ लाना पड़ेगा, तो थोड़ा हैक्टिक हो सकता है। इस रोड पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड आप इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पतली सी रोड है और दोनों साइडों में दुकानें बनी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत है। इवनिंग में यहाँ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। और इस वक्त जितने भी टूरिस्ट डलहौजी में मौजूद हैं, लगभग इस समय तो सब इसी रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि माल रोड पर घूमने के लिए शाम का वक्त ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर गर्म कपड़ों की दुकानें भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर सूट, बच्चों के लिए खिलौने, कुछ डेली यूजेस की चीज़ें यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यही वो मेन मार्केट है डलहौजी का। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस रोड पर। भीड़ भाड़ इसलिए भी लग रही है क्योंकि रोड तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नैरो रोड है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ दिखाई दे रही है। स्ट्रीट फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर स्ट्रीट फूड को ही इन्जॉय करते हैं और उसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग भी स्ट्रीट फूड ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा माल रोड पर आने के बाद। स्ट्रीट फूड में आपको यहाँ पर मोमोज, टिक्की, चाउमीन, बर्गर और कुछ यहाँ की स्पेशल डिशेस भी देखने को मिल जाएंगी। हम जो सामने की ओर आप चौराहा देख रहे हैं, यही गांधी चौक है। तो यानी कि आप पैदल सुभाष चौक से गांधी चौक तक इस रोड को फॉलो करते हुए आ सकते हैं और पूरा मार्केट भी आप कवर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सुभाष चौक पर स्टे कर रहे हैं तो पैदल आप आइए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। आपको गाड़ी लेकर आने की गांधी चौक पर ज़रूरत नहीं है। यह है गांधी चौक। यहाँ पर सामने एक लाइब्रेरी स्थित है, उसके बराबर में एक चर्च है, ठीक उसके बराबर में एक पुलिस चेक पोस्ट है और यहाँ पर डलहौजी होटल है। इधर से हम लोग आए थे, ये माल रोड है और वो सामने वाला रोड, अगर आप ठंडी सड़क से यानी अपनी कार लेकर आते तो उस रोड से ही इधर आपको आना होता। हम पैदल आए हैं, हमने गर्म सड़क को फॉलो किया। आप यहाँ पर घुड़सवारी भी इंजॉय कर सकते हैं। सामने चर्च मौजूद है, चलिए अब हम चर्च में चलते हैं। चर्च का नाम है सेंट जॉन्स चर्च। आपको चर्च दिखाते हैं, अंदर लेके चलेंगे, पूरा चर्च घुमाएंगे और चर्च के अंदर से भी आपको डलहौजी के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट चर्च के अंदर आ रहे हैं और कितना खूबसूरत बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत आर्किटेक्ट है। चलिए चर्च के अंदर चलते हैं, बहुत प्यारा सा चर्च है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर चर्च है। और यह है चर्च के बाहर से खूबसूरत नज़ारे। यह चर्च का मेन डोर, सामने है गांधी चौक। वेदर आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो जाएगी और काफ़ी ठंडा वेदर है। टेम्परेचर अभी इस वक्त यहाँ का 14 या 15 डिग्री होगा,
और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन हम लोग हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ठंड नहीं लग रही है और ना ही गर्मी लग रही है, तो बहुत अच्छा वेदर है, लेकिन बारिश होने की पूरी संभावना है। यह है यहाँ का गांधी चौक, और यहाँ से हम खजियार और चंबा के लिए निकल सकते हैं, वहाँ भी हम जाएंगे, वो रोड भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम वापस स्मॉल रोड पर ही आ गए हैं और यहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड इन्जॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे राइट हैंड पर सारी दुकानें स्ट्रीट फूड की हैं। अभी हम एक टिक्की बर्गर यहाँ से खाने वाले हैं। सामने कैफे डलहौजी है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली है, सभी लोग स्ट्रीट फूड इन्जॉय कर रहे हैं। गांधी चौक और माल रोड घूमने के बाद हम वापस सुभाष चौक पर आ चुके हैं, और अब दिन काफ़ी ढलने वाला है, और यहाँ भी एक चर्च मौजूद है सामने की तरफ। लेकिन गांधी चौक और सुभाष चौक दोनों ही देखने के बाद मैंने एक बात नोटिस की कि सुभाष चौक के कंपैरिजन में गांधी चौक पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर हैं। इसका मतलब साफ है कि गांधी चौक के आसपास जितने भी होटल हैं उनमें चार्जेस ज़्यादा होंगे और सुभाष चौक के होटल थोड़े सस्ते रहेंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन आप गांधी चौक रुकेंगे तो डेफिनेटली आप सुभाष चौक घूमने नहीं आएंगे। तो सबसे बढ़िया आप सुभाष चौक रुकिए, सुभाष चौक को भी एंजॉय कीजिए, यहाँ की आसपास की साइट्स को भी देखिए, और गांधी चौक भी पैदल आप घूमने चले जाइए वाया गरम सड़क वाया माल रोड। अभी हम सुभाष चौक के सामने ही स्थित एक चर्च में मौजूद है। ये भी बहुत खूबसूरत चर्च है और पिछले चर्च के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा है। डलहौजी शहर भी अंग्रेजों का ही बसाया हुआ है, इसलिए यहाँ भी हमें काफ़ी ज़्यादा चर्च देखने के लिए मिल रहे हैं। चर्च के बाहर से ये खूबसूरत नज़ारा देखिए आप, सामने देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और उधर उनके पीछे सुभाष चौक है, और फिलहाल हम चर्च में मौजूद हैं। दिन अब ढलने लगा है, खूबसूरती अभी भी डलहौजी की बहुत शानदार है। यह है सोलर टाइम, इसमें आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। जब सूरज उगता है तो सूरज की एक शैडो यहाँ पड़ती है, तो उसको देखकर ही यहाँ पर टाइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पुराने समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो कुछ इसके जरिए ही टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। और यह है नाइट व्यू डलहौजी का, कितना सुंदर लग रहा है। सामने जो हम लाइटिंग देख पा रहे हैं शायद वो बनी खेत होगा। तो चलिए अभी तो होटल में चलते हैं, आज आराम करेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आज अभी डलहौजी में मौजूद हैं, होटल में मौजूद हैं, और आज डलहौजी को एक्सप्लोर करेंगे और खजियार जाएंगे, शायद चंबा भी निकलेंगे, और आसपास की डलहौजी की जितनी भी जगह हैं सारी घूमने जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी सुबह के करीब बताता हूँ आपको, 9 बज रहे हैं, और अभी गाड़ी नीचे रेडी हो रही है, हो चुकी है गाड़ी नीचे रेडी, और बस 10 मिनट में निकलते हैं। ये वही व्यू है जो हमने नाइट में लिया था, अब डे लाइट में हम इस व्यू को देख रहे हैं। सामने हमें वो लाइटिंग जो दिखाई दे रही थी, अब हम देख पा रहे हैं कि वहाँ सामने काफ़ी बड़ा शहर है, शायद वो डलहौजी का ही पार्ट है। अभी हम गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से चेकआउट भी करेंगे, और पहले हम यहाँ से जाएंगे पंचकुला, उसके बाद खजियार के लिए निकलेंगे। अभी गुंडे को ना कह रहे हैं ना, यूं ही तो कह रहा था, चलो नीचे उतार, बस बारिश ना पड़ रही है, बहुत हैवी ड्राइवर है, जा रहे हैं वापस। ले जाओ ये बात। पहले आपने देखा था कि हम गरम सड़क को होते हुए माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे थे, जो एक पैदल वाला रास्ता है। अब हमने मोटरेबल रोड को चूज किया है, इसको ठंडी सड़क बोलते हैं, और ये रोड भी गांधी चौक पर ही पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि अब हम लोग गांधी चौक पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से राइट हैंड पर जो एक रोड है उधर से हम लोग कल आए थे पैदल, और अब हम इस रोड से यानी ठंडी सड़क से गांधी चौक पहुँचे हैं। अब हम यहाँ से पंचकुला के लिए निकलेंगे। गांधी जी की स्टैचू के ठीक पीछे हम देख रहे हैं कि वहाँ दो रोड मौजूद हैं, इन दोनों में से जो राइट हैंड पर रोड नीचे की ओर जा रहा है इस रोड पर जाना होगा, इसको पठानकोट रोड भी बोलते हैं, और ये रोड ही हमें पंचकुला लेकर जाएगा। पंचकुला के यहाँ से दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है। रोड की चौड़ाई आप देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन ब्यूटी बहुत शानदार है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। 3 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे और रास्ते में जितने भी खूबसूरत नज़ारे पड़ेंगे आपको दिखाएंगे और पंचकूला आपको पूरा घुमाएंगे। वहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, हो सका तो करेंगे। फिलहाल ये नज़ारे देखिए अब रास्ते के। कल इवनिंग में हमने पूरा डलहौजी घूमा था, आज हम डलहौजी के बाहर के कुछ साइट सीन करने जा रहे हैं। रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो टेम्परेचर अभी भी करीब वही 14 या 15 डिग्री के अराउंड है, काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। आज भी आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त तो पूरे हिमाचल में, पूरे उत्तराखंड में सभी जगह बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब चल रहा है। जगह जगह बादल फट रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। अगर आप कहीं भी हिल एरिया में टूरिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही जाइएगा। फिलहाल हम पंचकूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोड में देख रहा हूँ कि उतना अच्छा नहीं बना हुआ है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत फर्स्ट क्लास रोड होना चाहिए था, क्योंकि डलहौजी एक कैंटोनमेंट जोन भी है तो यहाँ तो अच्छी रोड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है जिसकी वजह से रोड टूट जाते हैं। नज़ारे देखिए अब फिलहाल यहाँ। डलहौजी घूमने का जो बेस्ट टाइम है ना, आप साल के किसी भी मंथ में आ जाइए, बेस्ट ही बेस्ट है। डलहौजी एक ऐसी जगह है तो इसके बारे में तो सोचिए ही मत कि किस मंथ में आना बेस्ट होगा, किसी भी मंथ में आ जाइए, यहाँ आप इन्जॉय ही करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट होता है वो तो मई से लेकर सेप्टेम्बर अक्टूबर तक बेस्ट ही बेस्ट है, कभी भी आ जाइए। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी जब लगती है ना तो हम लोग उतना सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उतना घूम नहीं पाते हैं, मन करता है कि होटल में बंद रहें और बाहर घूमने ना जाएं। मई से अक्टूबर तक प्लेजेंट वेदर रहता है तो अच्छा लगता है घूमना। यहाँ से नज़ारे देखिए आप, बहुत शानदार। जब हम सुभाष चौक पर मौजूद थे तो हमने वहाँ पर लोकल लोगों से पंचकूला के लिए हमें पूरा रास्ता उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया कि आप पैदल भी चाहें तो पंचकूला तक जा सकते हैं। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर के आसपास है और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि हम पैदल कवर नहीं कर सकते हैं। मतलब 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, यानी 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा और आप पूरा पंचकूला और रास्ते की साइड सीन भी कर सकते हैं। वैसे रास्ते में कोई खास साइड सीन अवेलेबल नहीं है जैसा उन्होंने हमें बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास अपना वाहन है, अपनी कार बाइक कुछ है तो आप ले जाइए। रोड कंडीशन आपके सामने है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो भी रोड नहीं है। रोड कंडीशन कहीं पर ख़राब है लेकिन ज़्यादातर ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है रोड पर, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका पंचकूला जाने का। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारे हम देख रहे हैं। आज भी आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा वेदर हो चुका है। अगर धूप निकली होती तो मैं मानता हूँ कि 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता, लेकिन बादलों के कारण टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट हो चुकी है और ये अच्छी बात है क्योंकि हमें पूरा दिन आज घूमना है। आगे हम खजियार भी जाएंगे और उसके आगे हमें तो लगभग यहाँ पर 6 से 7 दिन बिताने हैं, तो काफ़ी लंबा ये टूर भी रहेगा। तो वेदर अगर ऐसा ही मिलता है, बादल मिलते हैं, तो हमें टूरिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बट उम्मीद ये कर रहे हैं कि रास्ता कहीं बंद ना मिले, लैंडस्लाइड जैसी कोई चीज़ें ना हो, आप भी यही उम्मीद करिएगा और आगे हम ऐसे ही आपको वीडियोस लाते रहें। नज़ारे देखिए आप यहाँ से कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम लोग पंचकूला के पास पहुँच चुके हैं, हमें सामने से नज़र आ चुका है पंचकूला की वो लोकेशन। सामने ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये पंचकूला ही है, बहुत खूबसूरत जगह है। चारों तरफ से पाइन के ट्री से घिरी हुई ये जगह है, बहुत अल्टीमेट, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ढाबे वगैरह मौजूद हैं, कुछ हैंडलूम शॉप्स वगैरह मौजूद हैं और ये सामने जो आप गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं यही यहाँ की पार्किंग है और ये रोड आगे पठानकोट तक चला जाता है।
चलिए पूरा पंचकुला एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, लास्ट पॉइंट तक आपको लेकर जाएंगे, आसपास में जितनी जगह सब घुमाएंगे। छोटा सा मार्केट भी यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ हैंडलूम शॉप्स हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ छोटे बड़े टी स्टॉल ईटिंग पॉइंट बने हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर हमें जाना होता है और थोड़ा सा पैडल ट्रैक करना पड़ेगा, और इस पूरे ट्रैक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह के फूड पॉइंट बने हुए हैं। बहुत बढ़िया जगह, बहुत अल्टीमेट। खरीदारी कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, आप देख रहे होंगे लकड़ी से बने हुए आइटम की यहाँ पर दुकानें हैं, हैंडलूम शॉप्स यहाँ भी अवेलेबल हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे बर्मा ब्रिज है, जिप लाइन है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चार्जेस एक बंदे का 300 रुपये है, आप बर्मा ब्रिज पर जाएंगे और उधर से जिप लाइन के थ्रू आएंगे, एक व्यक्ति का 300 रुपये चार्ज है। एक और यहाँ पर ऑप्शन है बर्मा ब्रिज और जिप लाइन का, उसका 500 रुपये है क्योंकि उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। चलिए पहले ऊपर चलते हैं, पंचकुला वाटरफॉल देख कर आते हैं, वापस आने के बाद ये एडवेंचर एक्टिविटी भी करेंगे। ज़्यादा ऊंचाई पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थकान महसूस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही आपको ऊपर तक जाना होगा और आप पहुंच जाएंगे पंचकुला वाटरफॉल तक। ये नज़ारे देखिए आप यहाँ से, जगह जगह फूड पॉइंट बने हुए हैं, मतलब रोड से लेकर वाटरफॉल तक ये जो ऊपर की ओर ट्रैक जा रहा है ये पूरा का पूरा इस तरह से बनाया गया है कि एक पूरा मान के चलिए कि पूरा एक मार्केट है पहाड़ों पर। यहाँ पर बैठ के चाय पीना, मैगी खाने का जो एक्सपीरियंस रहेगा ना वो लाजवाब रहने वाला है। बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं, टूरिस्ट अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, कारण ये है कि हम अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ 10 या 11 बजे के बाद आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं सिवा कैफ़े के पास, यही लास्ट कैफ़े है, इसके बाद सामने ही वाटरफॉल मौजूद है। चलिए आपको वाटरफॉल तक लेकर चलते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट तक आपको लेकर जाएंगे ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा डलहौजी घूम सकें। तो यार प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए इस वीडियो को। अभी हम लोग मौजूद हैं डलहौजी के पंचकुला एक साइड सीन पर, मेरे पीछे है सिवा कैफ़े और वहाँ पर है पंचकुला वाटरफॉल। यह है सिवा कैफे, बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए कुछ टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब डलहौजी अगर आप आते हैं तो पूरा डलहौजी कवर कीजिए जैसे हमने अभी किया था, उसके बाद आप पंचकुला आ जाइए। पंचकुला आने जाने का 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो 10 मिनट जाने के 10 मिनट वापस आने के लगते हैं और आप यहाँ पर आधा घंटा एक घंटा बिता सकते हैं। तो कुल मिला के दो ढाई घंटे में आप पंचकुला को कवर कर सकते हैं। मॉर्निंग में आइए, बहुत बढ़िया जगह है। यह है वाटरफॉल से नज़ारे, ये है सामने पंचकुला वाटरफॉल। बहुत बड़ा वाटरफॉल तो नहीं है, लेकिन 150-200 मीटर का पैदल ट्रैक करके जब हम यहाँ तक आते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है। यहाँ बैठ के चाय पीना, मैगी खाना, वो लाजवाब है। वाटरफॉल भी बहुत खूबसूरत है। चलिए अभी नीचे चलते हैं और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में आपको बता रहा था, चलिए वही करते हैं आज। यहाँ पर कुछ दुकानें मौजूद हैं और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो एडवेंचर एक्टिविटी की पूरी तैयारी हो रही है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो
कैसा लग रहा है? सही है, एक्साइटेड लग रहा है, एक्साइटेड। भाई बीच में रखना है, साइड में नहीं। चलो भाई बीच बीच में पावर रखो, ठीक है? चले चलते जाओ, सेंटर में रखना, साइड में मत रखना। तो चल रहे हैं बर्मा ब्रिज पर। बर्मा ब्रिज तो हो गया, अब जिप लाइन की तैयारी। Yeah. ये वाला एडवेंचर देखते हैं कैसा भाई। पहले चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। अच्छा लेट बाकी ठीक है, कार को मत पकड़ना, ठीक है? जिप लाइन की तैयारी हो रही है पूरी। मजा आया? बढ़िया। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, बहुत एक्साइटेड था। आप जरूर करिएगा। बिल्कुल करिएगा, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 रुपये चार्ज है एक मेंबर का। एक एडवेंचर एक्टिविटी हमने कर ली, बर्मा ब्रिज कर लिया, जिपलाइन कर ली, लेकिन हमारे एक दोस्त, उनका मन नहीं भरा था, उन्होंने दूसरी वाली बर्मा ब्रिज को भी, बर्मा ब्रिज नहीं, इसको एक्चुअली स्पाइडर ब्रिज बोलते हैं, जिस पर वो अभी चल रहे हैं। इस पर चलना तो बहुत ही टफ है, एक रस्सी के ऊपर ही आपको चलना पड़ता है, बहुत टफ है। उसके बाद आप अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो जिप लाइन के थ्रू आप वापस आएंगे, और ये भी बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बहुत लाजवाब। पंचकुला आने के बाद आप इस तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ मौजूद हैं, और नीचे एक पार्क है, उस पार्क में भी आपको लेकर जाएंगे, जो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? एक्सपीरियंस बढ़िया, मज़ेदार, एक्साइटेड। ये वाला कैसा रहा एक्सपीरियंस इसका? अच्छा था, बीच में रोप ज़्यादा हिलने लग जाती है, तब डर लगता है कि शायद कहीं गिर ना जाए। शुरू में सही है, पर आधे से जाने के बाद में। तुम भी करना चाहोगे? चलो एडवेंचर तो पूरा हो गया, अब चलने की तैयारी यहाँ से, चले। अभी हम नीचे रोड पर आ चुके हैं, और रोड के सामने ही एक छोटा सा पार्क मौजूद है, चलिए उस पार्क में चलते हैं। पार्क का नाम है मुस्कान अम्यूजमेंट पार्क, और बच्चों के लिए तो बहुत खास है ये पार्क, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे झूले वगैरह अवेलेबल हैं। टूरिस्ट इस वक्त ज़्यादा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं, इसलिए टूरिस्ट अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के झूले वगैरह बच्चों के लिए यहाँ मिल जाएंगे, अगर आपके साथ बच्चे आते हैं, फैमिली को लेकर आते हैं, तो पंचकुला में बच्चों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और बड़ों के लिए भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी अवेलेबल है। तो चलिए पंचकुला से अभी वापस चलते हैं, वापस नहीं, हमें अब खजियार जाना है, लेकिन खजियार जाने के लिए हमें वापस डलहौजी आना पड़ेगा 3 किलोमीटर, और डलहौजी से एक दूसरा रास्ता जाता है खजियार चंबा के लिए, उस रोड पर जाना पड़ेगा। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप डलहौजी आते हैं तो, क्योंकि डलहौजी बहुत खूबसूरत जगह है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। डलहौजी से खजियार की जर्नी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, और कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि बहुत बड़ी वीडियो मत बनाइए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बड़ी वीडियो बनाइए तो सभी लोगों को देखकर चलना पड़ता है, तो 30 मिनट के आसपास की हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको खजिहार लेकर जाएंगे, खजिहार घुमाएंगे, वहाँ आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, खजिहार कैसी जगह है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, रोड कंडीशन आपको दिखाएंगे, एवरीथिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। MS व्लॉगर की हिमाचल अगेन सीरीज बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि अभी तो इस सीरीज की शुरुआत हुई है, आगे आगे बहुत एडवेंचर होना बाकी है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं सच पास, और सच पास भारत का सबसे खतरनाक मोस्ट डेडलिस्ट रोड में से एक है, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब रहने वाला है। 20 से 30 फुट बर्फ, ऑफ रोड, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा, और सारे पार्ट रेगुलर देखिएगा, बहुत इंजॉय आप करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।